यज्ञ का मुहूर्त हो गया है, कन्या को मंडप में बुलाया गया है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं साबायाभ्यंतरः शुचिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा। पाणी ग्रहण की विधि प्रारंभ करते हैं। वर अपना दाहिना हाथ आगे लाएं। अब आप अपना दाहिना हाथ वर के हाथ के ऊपर रख दीजिए। पाणी ग्रहण के लिए दाहिना हाथ उठाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यहाँ अर्पण कर दीजिए। अब कन्या पक्ष से कन्यादान के लिए कोई आ जाए। नंदिनी, मैं तुम्हारा ऐसा कन्यादान करूंगा कि सारा मगध देखता रह जाएगा, सारा संसार स्मरण करेगा कि महापद्मानंद ने अपनी पुत्री का कैसा महान कन्यादान किया। मैं तुम्हें वो पेड़ दूंगा जो आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री को नहीं दिया होगा। हे ईश्वर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नंदिनी के पक्ष में कोई पुरुष शेष नहीं, कौन करेगा इसका कन्यादान? नरेश मुंजमणि और उनकी पत्नी नंदिनी का कन्यादान करेंगे। नहीं, वो कन्यादान नहीं करेंगे। कन्यादान तो वधू का पिता या परिवार का कोई सदस्य करता है, और जब तक नंदिनी का कोई भी रक्त संबंधी जीवित है और कोई कन्यादान नहीं करेगा। जो विवश हो उसका उपहास नहीं करना चाहिए आचार्य। आप जानते हैं मेरा केवल एक पुत्र जीवित है जो विक्षिप्त है, पांडुगर्त। आप चाहते हैं कि होने वाली रानी का कन्यादान विक्षिप्त के हाथों? देवी अवंती का, आपसे किसने कहा कि मैं यहां पांडुगर्त को बुला रहा हूं? आपके परिवार का एक सदस्य और है जो आज राजभवन में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया है। ले आओ उसे। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, इसलिए आज कन्यादान की विधि धनानंद करेगा। नहीं,
नहीं करूंगा मैं कन्यादान। मैं यहां चंद्रगुप्त का वध करने आया और किसी भी मूल्य में मैं अपनी बहन का विवाह इससे नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे। कन्यादान तो तुम्हें करना ही होगा धनानंद, अन्यथा मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। भैया, मैंने अपने उसे रंग बहते हुए देखा भैया, अब और नहीं। मैंने अपने सात भाइयों को रणभूमि में मरते देखा, पिता महाराज को मरते देखा भैया। अब अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बहन जीवित नहीं रह पाएगी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है भैया, परंतु ये बहन आज आपसे मांगती है भैया। मेरा कन्यादान कर दीजिए भैया, मैं ये विवाह अपनी इच्छा से कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई विवश नहीं है। कन्यादान कर दीजिए भैया, कन्यादान कर भैया। नंदिनी, मैं चाहे कितना भी रक्त देख सकता, अगर मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, करूंगा मैं तुम्हारा कन्यादान। धनानंद को बंधन मुक्त किया जाए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब दाता अपना हाथ आगे लाए, आप नीचे स्पर्श कर लीजिए। वर अपना हाथ लाइए, सबसे ऊपर कन्या का हाथ रखिए। अब वर के हाथ के ऊपर कन्या अपना हाथ रखिए। कन्यादान संपन्न हुआ, अब आप उठिए और विष्णु स्वरूप वर के चरणों का प्रच्छालन कीजिए। भरपूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विधि पूर्ण करो धनानंद। Thank you.
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।